हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन वीडियो में। मैं मन्नू कुमार और इस समय आप ग्लोबल साइंस एकेडमी में देख रहे हैं अपने द्वारा आज एग्जामिनेशन में दिए गए बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 ये मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने आज दे करके आया है उसमें से कितना मार्क्स आपने सही किया है, इसके लिए मैं आपको एनालिसिस कराने जा रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर मैं बताने जा रहा हूँ 100% करेक्ट हैं। इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका कितना आपने आंसर सही किया है। तो डेफिनेटली आप वीडियो में शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें और जाने कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। और इसके बाद से मैं आगे भी जितने पेपर्स होने वाले हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं एकदम करेक्ट 100% करेक्ट आंसर के साथ आने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये एनालिसिस का ये सीरीज और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब पूरे 60 क्वेश्चंस का हम लोग करेक्ट आंसर जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, सही इसका आंसर हो जाएगा B 23। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 + tan θ प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot θ माइनस cos sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D 2। नंबर 3 है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दिए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आंसर है इसका नंबर D 4 गुना। इसके बाद से आपका है यहाँ पर ये 4 गुना हो जाएगा, ये 2 है और यहाँ पर रहेगा B। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसका 4 आप देखेंगे, निम्न में एक मूल बिंदु का नियामक कौन है, तो नंबर इसका B रहेगा सही जवाब 0 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, सही इसका आंसर है B y अक्ष के समानांतर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि 64π² cm क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है कितना, तो B नंबर इसका सही आंसर है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि D = angle Q तथा angle R = angle E, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका A नंबर आंसर सही है angle F = angle P, तो angle F = angle P A नंबर इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 समीकरण 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है क्या, तो C इसका सही आंसर रहेगा कोई हल नहीं। इसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर इसका 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मास 65m - 117 के रूप में है तो m का मान होगा, सही इसका आंसर है इसका नंबर B इसका सही आंसर रहेगा केवल 2। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर, चलिए तो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2, 10 और 20 का मसा और लसा और मसा का अनुपात होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर B 10:1। क्वेश्चन नंबर 11 कि sin 63° और अपॉन cos 27° = W, तो सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर B 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि x² + 1/6 × x - 2 के शून्यक है, सही इसका आंसर है नंबर B -3/2, 4/3, तो नंबर B इसका रहेगा सही आंसर। इसके बाद बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का डॉट डॉट का 30वां पद बराबर है, किसके बराबर है, तो सही इसका आंसर है C -77। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि tan θ = 8/15 तो cosec θ का मान होगा, सही इसका आंसर है A 17/8। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है, सही इसका आंसर है नंबर B 5050। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन cosec θ के बराबर है, सही इसका आंसर है C 1/sin θ। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आप देख सकते हैं कि 2 sin θ = 1 तो 3 cot²θ + 3 का मान होगा, सही इसका आंसर है A 12। क्वेश्चन नंबर 18 असंभव घटना की प्रायिकता होगी, तो सी नंबर इसका सही आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में x² - √2x - 12 के शून्य कौन से हैं, तो सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर D, इनमें कोई नहीं। इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20।
तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यास। क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे आप कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, तो सही इसका आंसर है कॉस थीटा, नंबर सी। 22 का आंसर है आपका सी, बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, सी इसका सही आंसर है 2√3/3, इस 2√3/√3। क्वेश्चन नंबर इसके पास इसका 23 कह रहा है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो कॉस थीटा बराबर होगा, तो सही आंसर है इसका नंबर सी 12/5। इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपके सामने है, बिंदुओं ए 3.4 और बिंदु -3.8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है, सही इसका आंसर है नंबर डी 0.6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 मिलाएंगे आप, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त के बाहर किसी एक ही बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके पास है 26, बोल रहा है कि 2 चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, सही इसका आंसर हो जाएगा सी अनगिनत, x का जो हम मान लेंगे उसी प्रकार से y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, समानांतर श्रेणी 1.4.7.10 का कौन सा पद 88 है, सही इसका आंसर रहेगा नंबर सी 30। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 28। क्वेश्चन नंबर 28 मिलाएंगे कि बिंदु -3.-5 किस पाद में स्थित है, तो सही इसका आंसर है सी तृतीय पाद। क्वेश्चन नंबर 29 कि 2 cos² 60° का मान होगा, आंसर है डी 1/2। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है, सही इसका आंसर है सी x² - 3x - 10। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, सही आंसर हो जाएगा नंबर बी -0.5। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे आप 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 भी आपके सामने खुल चुका है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है, सही आंसर है नंबर एक, नंबर ए 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक धातु का खान जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई होगी, सही आंसर इसका नंबर सी 100 पाइन। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर आपका 34, 1 + tan² θ का मतलब क्या, तो सही आंसर है इसका ए sec² यहाँ थीटा रहेगा, sec² θ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा, सही इसका आंसर है नंबर सी 9:16, तो सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 भी आपके सामने खुल चुका है, -10, -6, -2, .2, .34 में पदों की संख्या कितनी है, सही आंसर इसका नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 37, बिंदु 6, -5 का x नियामक कितना है, तो x मतलब पहले वाला 6, तो इसका नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे आप कि द्विघात बहुपद 2 × 2 × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग कितना होगा, सही आंसर इसका डी 5/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कि 1 + 2 + 3 · n = किसका, तो ये आपका प्राकृत संख्याओं का योग है, इसके लिए फार्मूला भी होता है n × n + 1/2, इसलिए सही इसका आंसर रहेगा नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा √2x² - √3x + √6। क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 41, 3.4, 7.2, 7.6, 7.9 का बहुलक है, सबसे ज्यादा बार जो आया हो तो सबसे ज्यादा बार आया 7, इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर इसका 42 कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य, तो 13 और 19 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, सही आंसर आ जाएगा आपका 16, मतलब बी इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब बनाएंगे आप 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने खुल चुका है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p = what, सही इसका आंसर हो जाएगा ±4, मतलब b। क्वेश्चन नंबर 44 आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा कितना होगा, दोनों अभाज्य इसलिए दोनों का गुणनफल, मतलब c इसका सही आंसर आएगा ab। क्वेश्चन नंबर 45 कि x और y का मूल बिंदु से दूरी होगा, नंबर b सही इसका आंसर है √x² + y². क्वेश्चन नंबर 46 कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर
पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सही इसका आंसर होगा नंबर ए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47 अब देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 47 इसका बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी है, कोण सी है आपका 90 डिग्री का, तो बी प्लस सी भी दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री का मतलब 0 ए सही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे आप। बिंदुओं 2.3 एवं -2.3 के बीच की दूरी होगी, नंबर इसका बी सही जवाब है केवल 4। क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे आप। एक शंकु तथा क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे आप। एक शंकु सॉरी एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या ये आपका 3:4 के अनुपात में है, उनकी छाया का जो उनकी ऊंचाई है वो 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन का आयतन होगा, तो नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा 9:8 नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे आप 50। यदि 3.4.5.17 तथा एक्स का माध्य ए 6 है तो एक्स का मान होगा सही आंसर रहेगा इसका ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे अब। मैं रही मामा रही मैं सही बा दोनों जलाता दोनों जलाता। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे आप। यदि घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब एल बी एच, नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 15 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इंटू टेन 18 डिग्री जो हो जाएगा 1, डी इसका सही आंसर रहेगा, तो 52 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अब आप बनाएंगे इसका 53। बोल रहा है कि इनमें कौन द्विघात समीकरण है, इनमें कौन द्विघात समीकरण है, ये पक्का नहीं है, इसमें सही आंसर है इसका नंबर बी x²-2√x+3=0। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे अब इसका 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, नंबर डी इसका सही आंसर है 3:1। क्वेश्चन नंबर 55 आप बनाएंगे, लगभग लास्ट के करीब हम लोग पहुंच गए हैं बहुत कम समय में। क्वेश्चन नंबर आपका इसका 55 बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं ए -1.0 और बी 5.0 से समान दूरी पर हो तो वो बिंदु क्या है, तो सही इसका आंसर है नंबर सी 3.0। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे अब आप इसका। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा है 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, सही इसका आंसर रहेगा आपका बी 6√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57। यदि समीकरण 3x-y=5 तथा 6x-2y=k के कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो k≠10 नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, 57 का हो जाएगा सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 58। क्वेश्चन नंबर 58 आप देखेंगे कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, सही इसका आंसर है नंबर सी, आप डेफिनेटली मिला सकते हैं 100% सही जवाब है कि 200/√3 मीटर, तो इसका क्वेश्चन नंबर 58 कराया जाएगा नंबर सी इसका सही आंसर। इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 और 62, केवल 2 क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन नंबर आप 59 देखेंगे। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, सही आंसर है आपका 3√3 सेंटीमीटर, बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर तो इस प्रकार से 59 का हो गया बी सही आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 60। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सी सही आंसर रहा इसका कि क्या, तो 3√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी, सॉरी काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम देखते हैं कि बादशाह 4 होते हैं जिसमें हुकुम का और चिड़ी का दोनों का जो बादशाह होते हैं वो काले रंग के होते हैं। इस प्रकार से आपने आज 18 फरवरी को बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए मैथ्स के प्रथम सीटिंग का प्रथम पाली का आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जाना जो कि 100% सही थे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और निश्चित रूप से आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप इस एग्जामिनेशन में कितने अंक पाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों के साथ कितने आपका लगाव रहा है। ऐसे ही लगातार मैं बता दूँ कि इसके बाद तुरंत मैं अभी सेकेंड सीटिंग वाला मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका मैं आंसर छोड़ने वाला
कैंसर की छोड़ने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस पेपर का भी आंसर शीट आपको मिल जाए। तो इसके लिए और अगला पेपर भी आप जो होने वाला है आपका जो उसका भी आंसर की आपको ऑब्जेक्टिव का मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि किसी आपके दूसरे दोस्त का हेल्प हो जाए जिसको सनसनीखेज है या जो डाउट में है कि मैंने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, तो वो इस वीडियो को देख करके आसानी से अनुमान लगा सकता है कि मैं कितना मार्क्स पा सकता हूँ इस बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में। तो अगले वीडियो को का इंतजार करें। बेस्ट ऑफ लक।